माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे कि कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना होता है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज के तौर पे हम यूज करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी तरह का काम करने के लिए कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर हम जिसका यूज करते हैं वो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, और एप्लीकेशन के तौर पे हम जिसका यूज करते हैं जैसे फोटोशॉप है, एक्सेल है, वर्ड है, टैली है, ढेर सारा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी हम लोग किसी ना किसी तरह के काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके अंडर में आता है, तो आप लोगों को बताए थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। यानी कहीं भी किसी भी ऑफिस में अगर आपको काम करना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करना ही होगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही इसके पहले आप वर्ड पढ़े, तो वर्ड क्या था, जैसे किसी ऑफिस में लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही आता है, लेकिन वर्ड से इसका काम जो होता है वो क्या है, अलग होता है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है टेबल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक टेबल वाला एप्लीकेशन है। जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके सामने टेबल दिखेगा, ठीक है। टेबल कैसा दिखता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, टेबल वाला एप्लीकेशन है, और ये जो 2013 जो लिखा हुआ है ये 2013 इसका वर्जन है। अभी लेटेस्ट ज्यादातर यहाँ से 2019 वर्जन यूज हो रहा है ना, लेकिन मार्केट में देखेंगे तो 2007 भी यूज हो रहा है, ठीक है। और आपको बताया थे कि पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, यानी इस सॉफ्टवेयर को पहली बार 1989 पे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, लेकिन विंडोज के लिए पहली बार 1990 में आया, यानी 1990 ईस्वी में जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, ठीक है। और ऑफिस में ही आपको पढ़ने मिलता है वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, पब्लिशर, ढेर सारा एप्लीकेशन है, लेकिन किसी ऑफिस में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है वर्ड, एक्सेल, और एक एप्लीकेशन आता है पावर पॉइंट, ठीक है। तो जिसमें आज हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे, और एक्सेल के बारे में कोई भी पूछे तो सीधा एक लाइन में जवाब देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, मतलब टेबल वाला एप्लीकेशन है। टेबल कैसा होता है वो बता रहे हैं। जैसे टेबल का मतलब होता है कि आपका सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, यानी रो और कॉलम के एक सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। और टेबल जो बोलते हैं ना, यहाँ से जो एक्सेल के बारे में बताया कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो वही स्प्रेडशीट का मतलब होता है टेबल। तो टेबल क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसा हम एक बॉक्स बनाए, तो ये एक बॉक्स ना आपका एक तरह का सेल कहलाएगा एक्सेल में, अगर कंप्यूटर का बात करेंगे तब। लेकिन जैसे अगर हम इसमें ऐसा करके हम लाइन खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ना हम यहाँ से एक कॉलम बना रहे हैं, ऐसा करके ये लाइन खींचे, ये क्या बन रहा है आपका, कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो कॉलम बनने का मतलब क्या है कि ये वाला जो कॉलम, ये जो दिख रहा है सामने, ये ए बी सी डी ई एफ ऐसा वाला, ये सब जो सामने जो खड़ा लाइन करके दिख रहा है ये आपका क्या है, कॉलम है। और ऐसा करके जो बना रहे हैं हम, ये आपका क्या होता है, आपका रो होता है। ऐसा करके इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो कहलाएगा। रो जो होता है यहाँ से 1 2
3, 4, 5 यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा टेबल दिखेगा और इस टेबल में जो ये ए बी सी डी करके जो लिखे हैं ए बी सी डी ये कॉलम को इंडिकेट करता है और ऐसे करके टोटल कॉलम जो होता है आपका 16384 होता है, ठीक है। और ये ए बी सी डी जो जाएगा ना आपका जेड तक जाएगा और जेड के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ए ए, इसके बाद ए बी, इसके बाद ए सी, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे करके टोटल नीचे जो जाएगा आपका 1048576, ठीक है, 1048576। और ये क्या होता है आपका रो होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की संख्या 1048576 और कॉलम की संख्या आपका 16384। कॉलम होता है 16384 और रो होता है आपका 1048576। तो आप देख पा रहे हो इसका मतलब कि इतना कॉलम और इतना रो है तो टेबल ऑटोमेटिक ही बहुत बड़ा होगा। और एक एक पैकेट को ना हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर सेल बोलते हैं, ये जो एक एक डब्बा जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। और एक्सेल में अगर सेल निकालना होगा तो आप यहाँ से कॉलम और रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। और एक्सेल में जितना भी हम लोग काम करते हैं ना एक एक पैकेट पर काम करते हैं, ये सब जो दिख रहा है ना यानी एक एक सेल पर काम करते हैं और हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे अगर इसका बात करेंगे ना तो इस सेल का एड्रेस होगा यहाँ से C4। कैसे होगा C4? तो पहले C यानी कॉलम को देखा जाता है फिर इसके बाद रो को देखा जाता है, तो ये C4 होगा। अगर इसका बात करेंगे तो ये आपका E2 होगा, ठीक है। इसका बात करेंगे तो ये B1 होगा, इसका बात करेंगे तो A4 होगा, यानी हर सेल का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग काम करेंगे एक्सेल में तो इस टेबल पर भी टेबल पर ही काम करेंगे, ठीक है। और टेबल पर काम करेंगे मतलब क्या कि इस पर जो भी सारा काम होता है तो टेबल से रिलेटेड ऑटोमेटिक है, टेबल की तरह दिखेगा तो टेबल वाला काम ही होगा, है ना। तो टेबल वाला काम क्या, तो जैसे हम लोग इसमें मार्कशीट बना सकते हैं, किसी तरह का डेटा एंट्री कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा डेटा हो ना आप इस पर एंटर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम आप एक्सेल ये दिखाई दे रहा है आपका, तो एक्सेल जो दिखाई दे रहा है ना सामने, तो ये आपका बुक वन यानी वर्कबुक है, यानी ये जो सामने है वर्कबुक है और ये होम इंसर्ट पेज लाइट ये सब तो मेनू बार है, ये तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी देखे होंगे। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है ना, ये जो सामने दिख रहा है ये सीट है, ठीक है। हालांकि टेबल की तरह दिखता है लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीट बोलते हैं। और डिफॉल्ट अभी आपके पास एक सीट है और हर सीट पर आपको उतना ही रो और कॉलम मिलेगा। और ये जो कॉलम देखिए दिखाई दे रहा है ना ए बी सी डी ऐसे करके टोटल कॉलम का कितना होगा 16384। और ये जो ए बी सी डी ऐसे जा रहा है ना ये लास्ट आपका जाएगा कंट्रोल के साथ जब आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में देखिए एक्स एफ डी तक गया, यानी 16384 तक गया अगर आप इसको काउंट करेंगे तो। फिर वहां से वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर यहां से अगर नीचे आते हैं आप ये नीचे आते हैं तो टोटल आपका जाएगा 1048576 सबसे नीचे, यानी इतना आपका जो है रो होता है। फिर वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ आप एरो की, तो आप समझ पा रहे हैं ना टेबल कितना बड़ा है। और बड़ा टेबल है तो ऑटोमेटिक क्योंकि एरिया ज्यादा है तो हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम इस पर रख सकते हैं, इसलिए किसी भी ऑफिस में ज्यादातर डेटा एंट्री करने के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग जो है डेटा से रिलेटेड ही काम करेंगे, डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हालांकि ये आप एमएस वर्ड पढ़ चुके हैं इसलिए आपको इसमें कुछ मेनू आपको सपोर्ट करेगा, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट, लैंग्वेज चेंज करना, साइज चेंज करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब तो उस पर भी होता था। और ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशन में मिलेगा क्योंकि लिखना है तो लैंग्वेज बदलना ही है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, साइज चेंज करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, ये सब तो होता ही है। हालांकि एक्सेल अलग एप्लीकेशन है इसलिए इसमें कुछ आपको नया मेनू भी मिलेगा, ठीक है। देखिए अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन होता है ना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट बटन पे आपको जाना है और स्टार्ट बटन में जाने के बाद जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर में जितना भी सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो सारा आपका जो है ऑल प्रोग्राम पर मिलेगा, अगर इंस्टॉल है तो आपको इस पर मिलेगा। तो ऐसा है कि विंडोज के साथ कुछ एप्लीकेशन पहले से रहता है
और कुछ सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल करना होता है तो ऑल प्रोग्राम में आपको मिलेगा। तो ऑल प्रोग्राम में जब जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जितना भी एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, पहले ही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज ऑफिशियल वर्क के दौरान होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ लिस्ट दिखेगा, उस लिस्ट में आप जैसे वर्ड ओपन कर रहे थे, अब आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन क्लिक, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा ओपन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जल्दी से करना है, ये जो प्रोसेस है ना, ये तो आपका माउस के जरिए हुआ, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से करने से क्या होता है, फास्ट होता है। क्या करना है आपको, प्रेस विंडोज कीबोर्ड में देखिएगा, एक विंडोज का सिंबल होता है, विंडोज के साथ जब आप आर प्रेस कीजिएगा तो आपका रन बॉक्स ओपन होता है, यानी रन बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की है विंडोज के साथ आर। तो जैसे विंडोज के साथ आर प्रेस कीजिएगा, रन बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में ना कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। बस यही कि जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स में आपको टाइप करना होता है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो जैसे अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो आपको यहाँ से टाइप करना होगा EXCEL, आप कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं और स्मॉल में भी। एक्सेल टाइप करने के बाद क्या करना है आपको, प्रेस इंटर बटन। जैसे इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होगा। और ये जो इंटर है ना, जब अगर कहीं लिख रहे हैं तो इंटर क्या करता है, लाइन चेंज करता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे इंटर आपका ओके का भी काम करता है। ठीक है, जैसे ही आप वो इंटर प्रेस करेंगे आपका एक्सेल ओपन होगा, और एक्सेल जब ओपन होगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग वही काम करेंगे जो टेबल से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसलिए ज्यादातर किसी भी ऑफिस में डेटा एंट्री का काम इस पर किया जाता है, क्योंकि पहले ही बताए इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, इस कारण से कितना भी बड़ा डेटा हो आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक्सेल का पहला क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सेल पर कैसे डेटा एंट्री करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।